हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम यहां पे बात करने वाले हैं एम्ब्रेन की ओर से आने वाला फिटसॉर्ट एज स्मार्ट वॉच के बारे में। और गाइस, ये जो स्मार्ट वॉच है ना, इसके अंदर काफी अच्छे अच्छे फीचर्स वगैरह कुछ मिलने वाले हैं, तो वो देखने के लिए वीडियो एंड तक भी देखना जरूरी है। और इससे पहले मेन बात है, इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स करना पड़ेगा, तभी तो जाके हम इस स्मार्ट वॉच को देख पाएंगे ना, और इसके साथ क्या क्या चीज वगैरह कुछ आपको मिलती है ये भी अनबॉक्सिंग में ही मालूम पड़ेगी। तो जल्दी से पहले तो इसका अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे इसके बॉक्स पैकिंग के बारे में बात करें तो एम्ब्रेन की ब्रांडिंग एक्चुअल इमेज मिल जाती है, और इसके अलावा यहाँ पे इसका जो मॉडल नंबर है वो देखने को मिल जाता है। साइड वाले पार्ट के बारे में बात करें तो फिटनेस गॉट द एक्स फैक्टर कैसे कुछ टैगलाइन वगैरह दी गई है, और इसके अलावा इसके पीछे वाले पार्ट के अंदर आपको थोड़े बहुत फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। एमआरपी लेबल और प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन वगैरह कुछ मिल जाता है। एमआरपी लेबल आपको यहाँ पे नीचे के पार्ट में देखने को मिल जाती है। तो चलो जल्दी से पहले तो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। वाह, और अब जाके ये रहा हमारा। ओके, फिर से इन लोगों ने डोंट ओपन मी करके एक क्लू कार्ड छोड़ दिया है। जल्दी से इस एनवेलप को ओपन कर लेते हैं। प्लीज रीड द यूजर मैनुअल केयरफुली बिफोर यूजिंग द प्रोडक्ट गॉट। भैया जी, ऐसी मजाक मत कीजिए हमारे साथ। ओके, इसके अंदर आपको अगर आपको रिव्यू वगैरह कुछ देना है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप रिव्यू दे सकते हो, और कोई भी एडवाइस है इस स्मार्ट वॉच के रिलेटेड तो इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना होगा। और इसके अलावा यहाँ पे यूज़र मैनुअल नहीं मिलती है, लेकिन इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप यहाँ से यूज़र मैनुअल देख सकते हो। और इसके अलावा एक और क्यूआर कोड मिल जाता है, जिससे आप इस स्मार्ट वॉच की एक्चुअल जो वेबसाइट है वहाँ पर डाइवर्ट हो जाओगे। और भाई, ये रहा फाइनली हमारा स्मार्ट वॉच, और इसके ऊपर भाई क्यूआर कोड देखने को मिल जाता है। मतलब जो एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो, मतलब एंड्रॉयड डिवाइस के साथ जो एप्लीकेशन यूज़ करने वाले हो, इसका क्यूआर कोड आपको यहाँ पे मिल जाता है। और आईओएस में मेरे ख्याल से एप्लीकेबल ये भी रहने वाला है। चलो जल्दी से भाई इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, तो इसके अंदर आपको एक मैग्नेटिक चार्जिंग डॉक मिल जाता है, जिससे आप इस स्मार्ट वॉच को चार्ज कर सकते हो। इसके अलावा तो भाई और कुछ नहीं दिया है। जल्दी से इस वॉच को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो भाई, यहाँ पे इस स्मार्ट वॉच की बिल्ड एंड क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो आपको इसका स्ट्रैप वगैरह कुछ मिलता है, वो आपको यहाँ पे सिलिकॉन मटेरियल का स्ट्रैप देखने को मिल जाता है। पीछे की ओर आपको काफ़ी सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, एम्ब्रेन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा आप इस स्ट्रैप को यहाँ से डिटैच करके मनपसंद का और भी नया परचेस कर सकते हो। ऑफलाइन मार्केट या फिर ऑनलाइन से कोई भी आप स्ट्रैप वगैरह देखते हो तो आप इसके साथ उसको आसानी से अटैच कर सकते हो। और भाई, यहाँ पे इसको मैंने ओपन ऑलरेडी कर लिया है, और यहाँ पे काफ़ी एट्रैक्टिव लुक के साथ आपको ये स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाती है। अब इसके जो डिस्प्ले वगैरह है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे स्मार्ट वॉच के डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको 1.69 इंच की HD IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे इसके साथ जो ब्राइटनेस की जो नीट्स आती है, वो 500 नीट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। मतलब आप इनडोर में यूज़ कर रहे हो या फिर आउटडोर सनलाइट में इसका यूज़ कर रहे हो, तो सनलाइट में भी काफ़ी अच्छी तरीके से आप टाइमिंग वगैरह जो भी एक्टिविटीज़ करना चाहते हो वॉच थ्रू, वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियरली विजिबल हो जाएगी। मतलब काफ़ी अच्छी नीट्स, मतलब 500 नीट्स ब्राइटनेस जो आपको यहाँ पे मिलती है ना भाई, काफ़ी अच्छी है। और इसके अलावा इसके डिस्प्ले के ऊपर 2D OGS कर्व डिस्प्ले मिल जाती है। मतलब इससे इसका जो लुक है ना भाई, और भी एट्रैक्टिव हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे इसका वेट के बारे में बात करो तो भाई काफ़ी लाइट वेट आपको ये स्मार्ट वॉच मिल जाती है। मतलब आप अपने हाथों में पहनते हो तो भाई अपने हाथों में कुछ पहना ही नहीं है, इस टाइप का लगता है भाई पहना है, लेकिन भाई इसका वेट जो है ना भाई काफ़ी लाइट वेट आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे स्मार्ट वॉच के UI के बारे में बात करें तो जैसे ही हम ओपन करते हैं तो आपको पहले लेफ्ट से स्वाइप करते हो तो आपको यहाँ पे 12 प्लस स्पोर्ट मोड्स देखने को मिल जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, क्लाइंबिंग, एरोबिक, साइकिलिंग, स्कोरर मतलब फुटबॉल, बास्केटबॉल, योगा, रॉप जंपिंग, और इसके अलावा टेनिस, इस टाइप के 12 प्लस स्पॉट मोड्स देखने को मिल जाते हैं। और इसके साथ आप जैसे ही राइट साइड से स्वाइप करते हो तो जो HR मतलब हार्ट रेट सेंसर है, SpO2, हार्ट हेल्थ, स्ट्रेस लेवल कितना है, वो अलार्म वगैरह कुछ सेट कर सकते हो, मैसेजेस आप यहां से रीड कर सकते हो, टाइमर
सेट कर सकते हो, स्टॉप वॉच से भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा सेटिंग की बात करें तो वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं, ब्राइटनेस लेवल, अबाउट और रीसेट, जो हमें अभी फिलहाल कुछ काम का नहीं है। तो यहाँ पे मैंने स्मार्ट वॉच को ऑलरेडी अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट कर लिया है। एप्लीकेशन जो आपको QR कोड मिलता है उसके ऊपर से स्कैन करके आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे अब जो मेरा मॉडल नंबर फिनशॉट एज जो दिखता है वो आपको यहाँ पे कनेक्ट मैंने ऑलरेडी कर दिया है। 31% बैटरी अवेलेबल है ये भी दिखा देता है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको चेंज डायल मतलब वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे, 75+ वॉच फेसेस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे शॉर्टकट के बारे में बात करें तो भाई अलार्म वगैरह आप शेड्यूल कर सकते हो, स्मार्ट रिमाइंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है, सेडेंटरी रिमाइंडर मिल जाता है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे रिमोट कैमरा मतलब कि जो कैमरा शटर बटन आता है उससे आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन का यूज़ करके कर सकते हो, मतलब फ़ोटो वगैरह क्लिक करना है तो आप स्मार्ट वॉच थ्रू भी कर सकते हो। चलो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, अब आपको आइडिया आ जाएगा यहाँ से। यहाँ पे जो कैमरा शटर बटन है ना वो थोड़ा सा लैग करता हुआ मुझे नज़र आया है, काफ़ी बार मैंने ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कोई कोई बार क्लिक हो जाता है, थोड़ी सी मुझे यहाँ पे दिक्कत सी लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, ये फीचर्स अच्छी बात है। और इसके अलावा यहाँ पे रेज टू वॉक वेक करके ब्राइटनेस टाइम मतलब कि 5 सेकंड 10 सेकंड की आप कब तक डिस्प्ले शुरू रखना चाहते हो, यूनिट मेजरमेंट, 24 आवर्स टाइम का शेड्यूल देखने को मिल जाता है, लैंग्वेज स्विच, लैंग्वेज आप कोई भी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हो, लैंग्वेज भी 7-8 लैंग्वेजेस है। और इसके अलावा यहाँ पे ऑटो हार्ट रेट का है, डू नॉट डिस्टर्ब, वियरिंग मैनर, स्मार्ट ट्रैक, वाइब्रेशन रिमाइंड और फर्मवेयर, इतने सारे फीचर्स आपको यहाँ पे इसके UI के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और भाई इसके अलावा यहाँ पे फाइनली बात करते हैं कि IPX रेटिंग के बारे में। जी हाँ भाई, स्मार्ट वॉच है तो भाई आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि वाटर प्रूफ है या क्या है, मुझे जल्दी से बताओ। तो फिर इसके अंदर आपको IPX68 मिल जाता है, मतलब ये वाटर रेजिस्टेंस तो आपको मिल ही जाता है, लेकिन नॉर्मल सा वाटरप्रूफ भी आप कह सकते हो, नॉर्मल से पानी वगैरह में थोड़ी गीली हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन भाई इसको 100% मतलब जो स्विमिंग पूल है उसके अंदर हाथ में पहन के पानी में तैरने नहाने के लिए मत चले जाना भाई, प्रॉब्लम हो सकती है। IPX68 है मतलब वाटर रेजिस्टेंस आपको मिल जाता है, नॉर्मल सा पानी वगैरह कुछ लगता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे इसके बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो भाई कंपनी का दावा है कि एक बार आप इसको 100% चार्ज करते हो तो 7 डेज तक आप इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो भी आपके यूसेज के ऊपर डिपेंडिंग है। मतलब नॉर्मल से नोटिफिकेशन वगैरह कुछ ऑन रखा है आपने और नॉर्मल से नोटिफिकेशन वगैरह कुछ आती है, कोई दिक्कत नहीं है। किस तरीके से आप इसका यूज़ करते हो, रनिंग वगैरह जो आप रनिंग वगैरह करने जाते हो तो रेगुलर आप ट्रैक वगैरह करते रहोगे तो उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। हाँ, कभी कभी सुबह में एक बार जाते हो, लेकिन आप फुल टाइम इसको रन शुरू रखते हो तो दिक्कत हो सकती है। और इसके अलावा जो नोटिफिकेशन है, अगर आप बिजनेस पर्सन हो और ज़्यादातर आपको व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, टेक्स्ट मैसेज वगैरह कुछ आता है तो इसके साथ आपको जो वाइब्रेटिंग मोड देखने को मिल जाता है, नोटिफिकेशन जब आती है तो ये जो स्मार्ट वॉच है वो वाइब्रेट होती है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि भाई कुछ मैसेज आया है या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिली है। तो वाइब्रेशन जो आता है उससे भी बैटरी कंज्यूम होती है, इसलिए भाई कितना आपका यूसेज है उसके मुताबिक उन लोगों ने भाई नॉर्मल से यूसेज के ऊपर ट्राई करके देखा होगा तो 7 डेज का दिखा रहा है, लेकिन भाई मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक 4 दिन का यूसेज तो मिलने ही वाला है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन आपका ज़्यादातर यूज़ रहता है ना भाई तो आपको 3 दिन तक का भी बैटरी बैकअप मिल सकता है, लेकिन भाई नॉर्मल से यूसेज जो उन लोगों ने कवर किया है ना उसके मुताबिक हम बात करें तो भाई 7 डेज का, सीरियसली 7 डेज का बता रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं मिलता है भाई मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। नॉर्मल से मैसेजेस वगैरह कुछ आते हैं तो फिर भी यहाँ पे आपको 4 से 4.5 दिन का प्ले टाइम मतलब जो यूसेज है वो मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आपको नोटिफिकेशन वगैरह कुछ आती है तो फिर भाई यहाँ पे मेरे ख्याल से 2.5 से 3 दिन का यूसेज मिल जाएगा, जो एक काफ़ी अच्छी बात है। भाई स्मार्ट वॉच है भाई, दिन में एक बार तो आप 24 आवर्स में एक बार तो चार्ज कर ही सकते हो, लेकिन भाई चलो तो छोड़ो, इसको छोड़ो भाई, बैटरी बैकअप है मेन पॉइंट भी है, 3000 रुपीज़ के अंदर आपको ये स्मार्ट वॉच मिलती है तो इसके अंदर मेरे ख्याल से कॉलिंग फीचर्स भी होना ज़रूरी था, जो नोटिफिकेशन वगैरह कुछ मिलता है लेकिन भाई आप डायरेक्ट वॉच थ्रू भी बातचीत नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लगा है भाई, कॉलिंग फीचर्स दे दिया होता तो और भी अच्छा हो जाता। चलो कोई बात नहीं, अब इसके प्राइस रेंज के बारे में बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो Amazon.in के ऊपर अभी फिलहाल लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक
3000 रुपीज़ में मिल जाएगी। आप इसको अगर परचेस करना चाहते हो तो इसकी जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देता हूँ, वहाँ से डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। और आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ में पहली बार इस चैनल पर आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। और साथ में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।